अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और कनिष्क अस्पताल की को डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे आज के इस मानसिक स्वास्थ्य में महिलाओं में वर्किंग वुमेन में स्ट्रेस के प्रकाश बिंदु पर विषय पर अपने प्रकाश बिंदु डालें। हाँ जी, सब लोग जग गए? तो हाथ उठा के बताओ कि कितने लोग जग रहे हैं। अभी भी बहुत लोग हाथ नीचे हैं। एक बार जोर से ताली। सबसे पहले जो हमें ध्यान रखनी, जो मैंने खुद भी अपने जीवन में अपनाई है लास्ट 5 ईयर से, तो उसके बाद मुझे काफी चेंजेस लगे। जैसे कि मी टाइम, एक महिलाओं के लिए मी टाइम होना चाहिए, अपना पर्सनल टाइम। वो कवर नहीं होती है, उसको आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ से ही उसको ओवरकम करना होता है। मतलब मैं उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि फिजिकल फिटनेस तो अचीव की जा सकती है। आप सुबह वॉक करें, टहलें, जिम जाए या अपने जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और आप धीरे धीरे आपकी बॉडी उस हिसाब से एडॉप्ट कर जाती है। लेकिन मेंटल जो फिटनेस है वो ऐसा नहीं कि अचानक से आप सोचे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेंटली मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो आपको खुद से ही कहीं ना कहीं अंदर से आपका जो पावर है कि हाँ मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे छोटे मोटे विषम परिस्थितियों में अपना मेंटल बैलेंस लूज नहीं करना, मुझे परेशान नहीं होना है। हो जाते हैं परेशान, खासकर ट्रेनिंग में बहुत लोग परेशान होते हैं, क्योंकि जब ट्रेनिंग आते हैं तो एकदम नए माहौल से आप एक एजुकेशन लाइफ से, स्ट्रगल लाइफ से जो आप तैयारी कर रहे हैं या परीक्षाएं दे रहे हैं, उसका अचानक से आप एक जिम्मेदारी के उस पर आ जाते हैं, आपका शेड्यूल तय हो जाता है। फिर सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं छोटी मोटी जुड़ी होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। जैसे मैं अभी वहाँ आरटीसी में देख रहा था, फायर के जो तरह का जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी रहता है, साथ ही साथ लाइफ में भी आगे कैसे मेंटल बैलेंस को बनाए रखा जाए, अपने नौकरी के साथ साथ अपने परिवार और सब जो दायित्व रहता है उसको पूरा करें और कहीं स्ट्रेस में ना आए, इसको देखते हुए काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्याख्यान भी दिया गया और इसमें काफ़ी लोग से इंटरेक्शन भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसका बच्चों पर काफ़ी भविष्य में जो अच्छा, अगर फॉलोअप करेंगे और जो चीज़ें बताई गई हैं उससे उनकी मेंटल परमानेंस भी रहेगी और फिजिकल एक्टिविटी तो यहाँ पर कराई जा रही है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था हॉस्पिटल की तरफ से, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों को मेरी तरफ से मैसेज भी है कि अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखें जितना हम फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं। और देखिए, आज 10 अक्टूबर है और विश्व मानसिक दिवस जैसा कि बताया गया है आज, इसमें कनिष्क हॉस्पिटल से हमारे लिए एक मैसेज आया था कि एक वर्कशॉप करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों के लिए और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो नए ट्रेनिंग हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस मेंटल हेल्थ के बारे में जो इश्यूज हैं उनको समझ सके, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इश्यू है जिसको सब लोग जानते भी होती सबको है और न उसको पता चल पाता है, अगर थोड़ा पता चलता है बताना नहीं चाहता ना परिवार वाले। तो इसमें ये भी एक इश्यू रहता है कि परिवार वाले भी नहीं चाहते कि इस पता चले, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे इशू होते हैं और वो आसानी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। हमारे 272 के आसपास ट्रेनीज थे और उन्होंने इसका लाभ लिया और जैसा कि आज इंटरेक्शन मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चनिंग भी हुई और मुझे लगता है कि इन लोगों को वो चीज़ें समझ में आई, उन्होंने क्वेश्चन भी पुटअप किया और उनका जवाब भी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से दिया। इसके साथ SSP साहब ने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई क्योंकि फील्ड पर जो चीज़ें फेस होती हैं उसका एक अलग ही अनुभव होता है। उन्होंने अपने अनुभव से बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कितना स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं प्रैक्टिस से, फिजिकल एक्सरसाइज से, योगा से। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन था बहुत पॉजिटिव था और बहुत फ़ायदा इससे लोगों को हुआ है।